अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बीफ बिरयानी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की है। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। वैसे भी आगे बकरा ईद आ रही है, तो आप लोग इसको बनाएं, मज़े से खाएं, मेहमानों के आगे पेश करें, दावत में बना सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि बीफ बिरयानी को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिरयानी के लिए मैंने बासमती राइस लिए हैं, ठीक है। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी। और इस तरह के जो प्याले हैं वो मैंने भर के 3 लिए हैं, ठीक है। आप लोगों के घर में ऐसा बर्तन होगा तो इसमें मैंने आपको इसलिए भर के बताया ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके, ठीक है। इस तरह का आप लोगों के घर बर्तन होगा तो इसको भर के मैंने इसके 3 प्याले ले लिए। 1 किलो गोश्त के लिए मैंने 3 प्याले चावल लिए, ठीक है। लगभग ये जो है 1 किलो के करीब होंगे, ठीक है। तो इनको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देती हूँ मैं, फिर मैं इसको बॉयल कर लूँगी। अच्छा जी, तो चावल मैंने भिगो के रखे थे, तो उसको 15 मिनट हो गए हैं इसको भिगोए हुए। तो अब मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पतीला चढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें मैंने पानी खुला डाला है, अंदाजे से पानी बॉयल करने के लिए चावलों को। फ्लेम मेरी हाई है, यहाँ पर जैसे ही पानी बॉयल होता है तो उसमें मैं चावल ऐड कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, तो इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। मैंने 3 प्यालियाँ चावल ली थी, तो इसके अंदर मैं नमक भी 3 खाने के चम्मच ऐड कर दूँगी, 2 और 3। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ खड़ा मसाला ऐड करूँगी। इसमें मैं 1 तेज पात डाल दूँगी और 1/2 स्टार डाल दूँगी ताकि खुशबू आ जाए अच्छी सी। दालचीनी का टुकड़ा ऐड करूँगी, 1 बड़ी इलायची डालूँगी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी। और जैसे ही पानी बॉयल होता है इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच ऑयल भी ऐड कर लूँगी। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है, इससे ये होगा कि हमारे चावल जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं यहाँ पर, निखरा निखरा पकेगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारा पानी जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है। अब मैं इसके अंदर राइस ऐड कर लूँगी, चावल ऐड कर लूँगी। अब इन चावलों को हम बॉयल करेंगे। इन चावलों को हम 80% हम इनको कुक करेंगे, ठीक है। 1 कन्नी इसमें छोड़ देंगे। चावलों को हम पहले से बॉयल करके रखेंगे, वो इसलिए ताकि चावल जो है वो निखरा निखरा रहे। बॉयल करके हम इसे निचोड़ के अलग से रख देंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको 80% बॉयल होने में। तो जैसे बॉयल होते हैं तो फिर मैं आती हूँ 80%। देखिए हमारे वाइट राइस जो है वो बिल्कुल मैंने इसको बॉयल कर लिया है और ये 80% बॉयल किए हैं मैंने। इसमें मैंने 1 कन्नी छोड़ दी है, ठीक है। 5 से 6 मिनट्स लगे इसको बॉयल होने में। एक दफ़ा आपको फिर मैं बता देती हूँ कि इसको बॉयल करते हुए मैंने 1 तेज पात डाला था और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला था, 1 बड़ी इलायची डाली थी और 1 बल्कि आधा मैंने बादियान का फूल डाला था और 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला था और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था और इसको मैंने बॉयल कर लिया था और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था ताकि चावल जो है वापस में चिपके नहीं, निखरे निखरे बॉयल हो। 5 से 6 मिनट के अंदर ये बॉयल हो गए, फिर मैंने इनको ड्रेन आउट कर लिया और आपके सामने हैं ये चावल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मसाले की तरफ चलते हैं। तो बीफ बिरयानी बनाने के लिए मैंने 5 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ में, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया है और इनको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। बिरयानी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ गोश्त लिया है, ठीक है। तो इसको मैंने बॉयल कर लिया है, ठीक है। पहले से मैंने इसको बॉयल करके रख लिया था, सिंपल बॉयल किया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 अदद टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे 1 कप दही लिया है मैंने, इसको मैंने फेंट लिया है इसी तरीके से। 6 खाने के चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया है, घर का बना हुआ मसाला है ये। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करें मुझे, ताकि मैं आपको होममेड बिरयानी मसाला की रेसिपी दूँ। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्ची ली है मैंने और यहाँ पर मैंने 5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच लीमू का रस लिया है, 2 लीमू ले लिए थे, इनको मैंने निचोड़ लिया है अच्छे तरीके से, इसका रस निकाल लिया है मैंने। और प्याज मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, 5 मैंने बड़ी प्याज ली थी, इनको मैंने चॉप कर लिया था और इनको मैंने ब्राउन कर लिया है। थोड़ी सी मैंने अलग कर ली है, जब मैं इसको दम लगाऊंगी तो फिर मैं इसको इस्तेमाल करूंगी, ठीक है जी।
तो चलते हैं अब कढ़ाई की तरफ। पहले तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 कप जो है वो ऑयल डाला है। जैसे कि शुरू में मैंने आपको दिखाए थे प्याज, ये 5 मैंने लार्ज प्याज लिए थे, इनको मैंने जो है वो कट कर लिया है बारीक इस तरीके से स्लाइसेस के। अब मैं इस प्याज को इसमें ऐड कर लूँगी, इसमें फ्लेम मेरी हाई है। इस प्याज को मैं ब्राउन कर लूंगी। ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा प्याज में निकाल के रख लूंगी, जब हम दम लगाएंगे ना उस वक्त वो ब्राउन प्याज ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो देखिए प्याज मेरा अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ऐड करूंगी 5 खाने के चम्मच को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तकरीबन इसको 60 सेकंड के लिए मैं इसको भूनूंगी। ये गोश्त मैंने बॉईल करके पहले से ही रखा हुआ था और ये मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी। सिंपल बॉईल किया था मैंने और इसको मैं अच्छे तरीके से इसके साथ रोस्ट कर लूंगी। ठीक है, बिल्कुल इसी रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी, आपके मेहमान आपके घर वाले बहुत तारीफ करेंगे। फ्लेम मेरी यहाँ पर हाई है, अच्छे से मैं इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए करूँगी। 1-2 मिनट हो गए हैं इसको, ये 2 मिनट मैंने इसको भूनी है। इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर लूँगी, 6 टेबल स्पून 6 खाने के चम्मच अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर नींबू का रस डाल दूँगी। और अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर लूँगी, 5 टमाटर हैं, बड़े साइज के टमाटर लिए थे मैंने। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। फ्लेम को हम लो कर देंगे, 10-15 मिनट्स इसको मैं कवर करके रखूंगी ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं और अगर गोश्त में थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखिए टमाटर हमारे जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर हमारे देखिए अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, पानी भी खुश्क हो गया है, तेल पर नजर आने लग गया है और हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं इस दही को इसके अंदर डाल दूंगी, 1 कप दही। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक दफा आपको फिर मैं रेसिपी बता देती हूँ। मैंने 1.5 कप ऑयल लिया था, उसमें 5 मैंने बड़े साइज के प्याज लिए, उसको मैंने कट करके डाल दिया। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 5 खाने के चम्मच। उसके बाद मैंने बॉयल गोश्त डाल दिया, उसके अंदर उसको तरीके से रोस्ट किया 2 मिनट। उसके बाद मैंने हनी मसाला डाला, हनी मसाला डालने के बाद मैंने इसको चम्मच के टमाटर डाल दिए और टमाटरों के बाद मैंने टमाटर जब सॉफ्ट हो गए, पानी सब खुश्क हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया 1 कप। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिए ताकि दही का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। 1 से 2 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा और देखिए तेल हमारा ऊपर आ चुका है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है कि तह लगाएंगे। अब हम चावलों की तह लगाने लगे हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, 1 खाने का चम्मच तकरीबन। इनकी तह लगाएंगे तो चावलों की मैंने एक और लेयर लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से मसाला डालूंगी, कलर डालूंगी येलो फूड कलर। थोड़ा
थोड़ा सा ब्राउन प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखा हुआ था। अब हम इसको दम के लिए रख देंगे। तो दम पे रखने के लिए मैं इसके दम पे रखने से पहले सबसे पहले मैं इसके अंदर होल कर दूंगी। ये होल करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है चावलों को ऊपर तक स्टीम मिले, ठीक है। और जब भी आप चावलों को दम दें तो बड़े पतीले में दम दिया करें, छोटे पतीले में मत दिया करें। होता ये है कि चावलों को आप पतीले को आप चावल के ऊपर तक भर देते हैं, जब पूरा पतीला आप भर देते हैं तो होता ये है कि नीचे तो स्टीम लग जाती है लेकिन ऊपर स्टीम चावलों को नहीं लगती। तो इसी तरीके से आप बड़ा पतीला लिया करें ताकि उसका इतना पार्ट जो है वो फिल हो और इतना पार्ट जो है वो खाली रहे। इससे होता ही है कि चावलों को अच्छे तरीके से ऊपर तक स्टीम मिलती है और अच्छे होते हैं, ख़राब भी नहीं होंगे चावल। तो इसको कवर करके हम चूल्हे पे रख देंगे। अच्छा जी, तो इसको मैंने दम पे चढ़ा दिया है और मैंने 5 मिनट इसको आप हाई फ्लेम पर रखेंगे और 15 मिनट्स आप लो फ्लेम पर इसको दम देंगे, ठीक है। तो चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, दम भी लग चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।